का पहले भी आपने परफॉर्मेंस देखा हो, डांस देखा हो, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में इन्होंने बहुत कमाल कमाल के परफॉर्मेंसेस किए हैं. सो मैं इनके डांस की बहुत बड़ी फैन हूँ. इन इन लोगों को मैं बहुत प्यार करती हूँ, दोनों कपल को. इनके लिए वी आर हियर, और इनके प्रीतिका थैंक्स करना चाहिए कि इनके वजह से हम लोग भी यहाँ पे आ गए और इनसे भी मुलाकात हो गई. ही सीम्स टू बी अ वेरी नाइस गाय. इससे ज़्यादा मैं जानती नहीं हूँ, बट बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, बिकॉज मैं इनकी टीम के साथ जुड़ी नहीं हुई हूँ. बट आई विल ओनली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. इन्होंने अभी शुरुआत करी है, एंड जितना मुझे ईशान प्रीति ने इनके बारे में बताया है, दे आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ शोज विद हिम, बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं. और मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने स्टार्टिंग करी है, जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, और मैं बहुत आए दिन देख रही हूँ कि ये काफ़ी काम कर रहे हैं, इसी तरह से ये खूब तरक्की करें. क्या कहना चाहेंगे जो सीजन अभी बिग बॉस का चल रहा है उसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस की बातें बाद में करेंगे, पहले हम लोग अविनाश जी के बारे में करते हैं. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू नो हम लोग इनके लिए यहाँ पे हैं, तो इनके बारे में पहले बात करते हैं. आपकी कंपनी का नाम एलिशियन एंटरटेनमेंट. एलिशियन एंटरटेनमेंट व्हिच इज इन डिवीजन ऑफ सनराइज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड. तो ये इनकी कंपनी है. बहुत बहुत मुबारक. तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई. एक अच्छी शुरुआत करी है इन्होंने, और जब भी आप शुरुआत करते हो चीज़ें डिफिकल्ट जरूर होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है. तो डेफिनेटली इन्होंने एक अच्छे टैलेंट ईशान प्रीति के साथ जुड़कर, इनको अपने साथ जोड़कर जो ये कर रहे हैं, आई एम श्योर फ्यूचर में ये काफ़ी अच्छा काम करेंगे. और मैं भी चाहूँगी कि अगर मैं इनके साथ कुछ अच्छा कर पाऊँ तो वाई नॉट. अगर अविनाश जी के साथ मेरी ज़िंदगी में दो दो अविनाश आ जाएंगे. मेरा हस्बैंड अविनाश यहाँ पे है, और आज इन अविनाश से भाई अविनाश है, ऐसा तो भाई अब इन्होंने पहले ही भाई बना दिया. तो मुझे नहीं पता कि लोग मेरी शक्ल देख के बहुत घबरा जाते हैं कि पहले ही भाई बहन का रिश्ता बना देते हैं मुझसे. बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं चाहती हूँ कि अच्छा काम. एक रिव्यू पद्मावती का क्या कहना चाहेंगे, अगर आप अपना पोस्टर छोड़ दे तो? पोस्टर पद्मावती जी को, पद्मावती जी को पहले से नमस्कार है. अविनाश जी क्या कहना चाहेंगे, आज करके पहली मुलाकात होगी अविनाश जी से. जी जी, लेकिन दो टैलेंट बिल्कुल ठीक सामने आपके बाजू में, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आज मैं अविनाश जी को जो मिल पाया हूँ, ईशान और प्रीति की वजह से मिल पाया हूँ, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं. इनकी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, बड़े जिंदा दिल हैं, बहुत जिंदा दिल हैं, और बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं, और आई एम श्योर कि अपना काम भी उतनी एनर्जी से करते हैं. और यही बात है कि इनका जो कंपनी है वो इनके अंदर जो एनर्जी है उसके थ्रू बहुत आगे जाएगी, मुझे ऐसा लगता है. एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. ईशान और प्रीति का मैं सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनसे हम दोनों ने बहुत सारे डांस फॉर्म्स सीखे हैं, बहुत सारे स्टाइल सीखे हैं, और उनके अंदर जो स्पार्क है वो मेरे ख्याल से आई थिंक आई कैन टेल कि वो लोग अगर मैं इंडिया के टॉप 10 डांसर्स में सिलेक्ट करूं, सो दे विल बी वन ऑफ देम, दे आर वेरी गुड. तो बाकी डेफिनेटली किसी भी चीज़ पे हम लोग, चाहे हम लोग ईशान प्रीति की बात करें, चाहे ये जो गैदरिंग की बात करें, हर हालत में हम लोग यहाँ पे आए अविनाश जी की वजह से हैं. तो अविनाश जी की वजह से हम लोग ये सब खा रहे हैं, याद रखिए. तो जो बिल है वो अविनाश जी भरने वाले हैं. सो नहीं मैं, बट इनकी जो एनर्जी है मैं उसके बारे में एक बात तो डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि इनके एनर्जी हैं, वो काम बहुत अच्छा करते हैं, तो अपने काम में ये डेफिनेटली सक्षम होंगे. एंड अविनाश जी, I wish you all the very best. Thank you. Thank you.